नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से भी ऐसी बयानबाजी की जा रही है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि कब झारखंड में जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा और संपूर्ण लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें होगी। अभी जो रियायतें मिली है ये जारी रहेगी कि नहीं, और सरकार जो है वो इस पे कब फैसला ले सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में कोरोना की स्थिति क्या है, मामले जो है वो लगातार निकल रहे हैं और लगातार लोगों की जानें भी जा रही है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये कह दिया है साफ तौर पे कि झारखंड जो है वो सीमित संसाधनों में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, वहाँ पे आप कितना भी कह लीजिए लेकिन सीमित संसाधनों में काम करना कितना मुश्किल होता है ये सबको पता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में अस्पतालों की स्थिति क्या है, और झारखंड में कहे तो पैरामेडिकल स्टाफ्स की स्थिति क्या है, और झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के दरमियान जो है वो कितना झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है ये भी आपको पता है। झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है, और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी ये कहा है कि झारखंड जो है वो लगातार सीमित संसाधनों में काम कर रहा है। तो ये आपको पता है कि झारखंड में जो है वो सीमित संसाधन है। और आपको बता दें कि बार बार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा केंद्र पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या केंद्र के द्वारा जो है वो मनमाफिक मदद झारखंड को नहीं पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि अभी जेएमएम पार्टी के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी का बयान आया और उन्होंने ये कहा कि कई राज्यों में जो है वो अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के तरफ जो है वो कदम बढ़ा लिया गया है। आप देखेंगे कि बिहार में जो है वो झारखंड से ज़्यादा अभी कड़ाई की गई है लॉकडाउन के मामले में, और झारखंड में जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। और झारखंड में आपको बता दें कि 2 बजे तक जो है वो लोगों को काफ़ी छूटें मिली हुई है, लगभग दुकानें जो है वो 2 बजे तक खुली रहती है और लगभग लोग जो है वो 2 बजे तक आवाजाही करते रहते हैं। शुरुआत में जो है वो झारखंड में 8 बजे तक ये छूटें लोगों को मिली थी, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, 8 बजे तक जो है वो दुकानें खुली थी और 8 बजे तक जो है वो लोग बाहर जा आ सकते थे। लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है जो 13 मई तक जो है वो प्रभावित है झारखंड में, इसमें धारा 144 लागू है, साथ ही दुकानों को जो है वो 2 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है और रोड पर भी लगातार, सड़कों पर भी लगातार 2 बजे तक जो है वो चहल पहल दिखाई देती है। 2 बजे के बाद जो है वो मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाता है, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जो है वो बहाल है, और 3 बजे के बाद से तो लोग जो है वो सड़कों पे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ये आदेश क्योंकि सरकार के तरफ से दिया गया है, लेकिन जैसा कि अन्य राज्यों में स्थिति है संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, तो ये जेएमएम के नेता का कहना है कि झारखंड में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि झारखंड में भी आगे चल के संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये बयान आने के बाद ये कयास जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जाने लगे कि झारखंड में जो है वो आगे का फैसला अब संपूर्ण लॉकडाउन ही बचा हुआ है, क्योंकि झारखंड सरकार ने जो है वो कहे तो कर्फ्यू भी लगा के देख लिया, कहे तो मिनी लॉकडाउन भी लगा के देख लिया। जी हाँ, ये जो लॉकडाउन चल रहा है झारखंड में इसको हम मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं। आपने देखा कि इसको जो है वो 1 सप्ताह तक लगाया गया, फिर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, और उसके बाद जो हालात बने हुए हैं वो अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसे जो है वो कोरोना पेशेंट लगातार निकल रहे हैं और लगातार लोगों की मौतें भी हो रही है। अब सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं और वास्तविक स्थिति क्या है ये आप सभी को
पता है कि वास्तविक स्थिति जो है उससे सरकारी आंकड़े जो है वो कम दिखाए जाते हैं, और ये जो है वो आज की बात नहीं है, ये लगातार की बात है, हमेशा की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सरकार रिपोर्ट ही नहीं कर पाती है और जिसका रिपोर्ट ही नहीं हो पाता है। तो वास्तविक स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है, पूरे देश में बनी हुई है, और झारखंड में भी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी नहीं है कि चैन जो है वो लगातार अपना तेज गति पकड़ ले, और क्राइसिस जो है वो तेज गति पकड़ ले तो उस समय जो है वो कहे तो रैपिड एक्शन के तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में काम किया जा सके, क्योंकि एक बार स्थिति जो है वो पैनिक होने वाली हो गई तो वो स्थिति जो है वो पैनिक ही होने वाली होते रहेगी, ये देखा जा रहा है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अभी जो हालात है इसी को जो ही कंट्रोल कर लिया जाए, और इसी के को देखते हुए ही झारखंड में जो है वो मिनी लॉकडाउन, कर्फ्यू ये लगाते जाया गया, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है, और हम जो है वो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि झारखंड में आगे चल के जो है वो कहे तो संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये आप मान लीजिए कि मई के महीने में जो है वो इस चीज़ से छुटकारा लोगों को नहीं मिलने वाला है, और कोरोना का जो दर चल रहा है इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। हाँ, वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, और बहुत जल्द ही 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को भी झारखंड में वैक्सीन लगाया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की खेप जो है वो झारखंड में पहुँचनी चालू हो गई है। 2,34,000 वैक्सीन जो है वो झारखंड में पहुँच चुके हैं, और इसको जो है वो 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आयु के लोगों को ही लगाया जाएगा। अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंचे थे, इसलिए जो अभियान 1 मई से पूरे देश में चालू किया गया उस अभियान को जो है वो झारखंड में नहीं चालू किया जा सका। लेकिन अब जबकि झारखंड में जो है वो 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हो गई है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई तक जो है वो झारखंड में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो चालू हो जाएगा। यही था पूरा अपडेट कि झारखंड में जो है वो कहे तो अब ये लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और ये लॉकडाउन जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन होगा। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर अभी भी जो है वो सब चीज़ें बंद ही है, तो आखिर संपूर्ण लॉकडाउन में क्या होगा? तो आपको बता दें कि जैसा कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, सरकार ने ये सभी डीसीज को कहा भी है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको जो है वो निगरानी में रखा जाए, उनका जो है वो रैपिड एक्शन टेस्ट लिया जाए, साथ ही अगर वो निगेटिव पाए जाते हैं तो उनको 7 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाए अपने पास, और उसके बाद ही उनको जो है वो अपने घरों की ओर भेजा जाए। तो सरकार की तरफ से जो है वो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संपूर्ण लॉकडाउन में ये हो सकता है कि जो फैसले 2 बजे तक लिए गए हैं दुकानों को बंद करने के लिए, इसको जो है वो वापस लिया जा सकता है, और दुकानें जो है वो लगातार खुली रह सकती है। जैसा कि 144 लगा हुआ है, 144 जो है वो बरकरार रह सकता है, लोगों की आवाजाही जो है वो पूरे दिन के लिए बंद की जा सकती है। यही हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन में। अब देखने वाला बात होता है, क्योंकि 13 मई को ये लॉकडाउन की अवधि ख़त्म हो जाएगी, तो उसके पहले ही सरकार जो है वो इस पर डिसीजन ले सकती है, और नए गाइडलाइन जो है वो सरकार बना सकती है। तो 13 मई के पहले ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पर फैसला ले लेंगे, और जैसे ही इस पर जो है वो सरकार के तरफ से कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपके लिए तुरंत ही लेके आएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।